सफर। एक सफर में ना हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, पर वो तब मुमकिन होता है जब सफर केवल आपका हो। गाइस, हम निकल पड़े हैं इस चमचमाती हुई धूप में। ये रहे हमारे ऑटो वाले अंकल, हमारी आज की सवारी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, चलो। अरे आप वही तो नहीं हो जो मुझे ले गए थे मत वृंदावन MG रोड? नहीं, मुझे लगा वही हो। इस सफर में मेरे साथ दो दोस्त थे मेरे, सैगल और नीतू। ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल ये एक शहर से भी है और हाँ, एक घर से भी। तात्पर्य ये भाई है। हाँ, तो हम तीनों सवार थे एक ऑटो में। सवार थे इस देश के दूसरे सबसे ज़्यादा चलने वाले वाहन पे। दूसरे इसलिए क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आज भी स्प्लेंडर सबसे ज़्यादा चलने वाला वाहन है। यार, इस आदमी को देखकर ना मुझे मेरे बॉस की याद आ गई और एक बार को मन किया कि यहीं से उतार दूं, पर नीतू ने रोक लिया। और ये जनाब, इन्होंने ये उपनेत्र स्टाइल के लिए पहने थे या आई फ्लू के लिए, ये तो पता नहीं। हाँ, पर ये दो लड़के, ये शायद ऊपर से हंसी टिटोली में मेट्रो का इंतजार कर रहे थे। हाँ, वैसे देश की आबादी का एक मुख्य हिस्सा मेट्रो में हर रोज सवार होता है, और ये हिस्सा भाग दौड़ में इतना खोया हुआ है कि सफर का मजा लेना ही भूल जाता है। तो हम पिंक लाइन में उतर गए हैं, ले रहे मेरे बाकी के साथी। पिंक लाइन से कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे दिल्ली हार्ट। इट्स माय थर्ड टाइम इन द मेट्रो। Let's see. इस सफर को अलविदा कहके हम निकल पड़े सूर्यदेव का प्रकोप सहने। इस गर्मी में हमने कुछ मुस्कुराते चेहरे देखे, कुछ लेग डे से परेशान थे, कुछ अपना काम बढ़ा रहे थे और कुछ तो अपने में ही खुश थे। हाँ, एक तो गर्मी, ऊपर से दिल्ली, मतलब दिल्ली की गर्मी।